तो अब हमारा काम ये है कि इसमें हमको f by a की वैल्यू निकालनी है। तो f by a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी तीनों इक्वेशंस थी उन तीनों इक्वेशंस पे श्रोडिंगर के जो तीनों हमारे पास है तीनों रीजंस के लिए जो इक्वेशंस आई थी उनके ऊपर हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशन ऑन ऑल द थ्री इक्वेशन, कौन कौन सी हमारी इक्वेशन है, साई वन एक्स इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। साई वन एक्स इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आयटा अल्फा एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आयटा अल्फा एक्स। दूसरी इक्वेशन है साई टू एक्स इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर बीटा एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस बीटा एक्स। एंड तीसरी इक्वेशन है साई थ्री एक्स जो हमने पिछले टर्म में निकाल दी थी, मैं वापस उनको नहीं निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साई थ्री एक्स इज इक्वल टू एफ ई टू दी पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस जी वाला जो फैक्टर था वो जी वाला फैक्टर क्या हो गया हमारा, जी वाला फैक्टर हमारा हो जाता है इसमें जीरो। क्यों जीरो हो जाता है, प्लस जी वाला फैक्टर मैं नहीं लिख रहा हूं, जी वाला फैक्टर जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हमारा उस साइड से कोई वाला जो रीजन है रीजन थर्ड में कहीं से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये हमारी फाइनल जो लास्ट हमने की थी तीनों इक्वेशन आ गई। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन को जिसके कारण मुझे जो कोफिशियंट है मुझे क्या चाहिए f by a निकालना है। अल्टीमेट पर्पज हमारा f by a निकालने का है, तो उसको निकालने के लिए नाउ अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कहां पर है हमारे डायग्राम को वापस याद करो, तो हमारे इस डायग्राम के अंदर बाउंड्री कंडीशन सबसे पहली जो बाउंड्री आ रही है वो बाउंड्री है ये रे एट x बराबर जीरो, x के इधर पोटेंशियल कितना है जीरो, x के इस साइड पोटेंशियल कितना है v नॉट के बराबर। इधर का वेव फंक्शन क्या है साई वन, इधर का वेव फंक्शन है साई टू। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या कहती है, बाउंड्री कंडीशन ये कहती है पहली बाउंड्री कंडीशन कि वेव फंक्शन बाउंड्री पर कंटिन्यूअस होगा यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, दैट मीन्स साई वन एक्स 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 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साई सेकेंड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स के ऊपर एट एक्स बराबर जीरो जो एक्स बराबर जीरो की बाउंड्री है वहां पर दोनों तरफ के वेव फंक्शन बराबर होने चाहिए। तो दोनों वेव फंक्शन के अंदर ये जो इक्वेशन आई हुई है इन इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूंगा एक्स का मान जीरो रख देता हूं, और जब मैं एक्स का मान जीरो रख दूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एक्स का मान जीरो रख देता है तो ये हो जाएगी ई टू दी पावर जीरो ई टू दी पावर जीरो ई टू दी पावर जीरो मीन वन। तो ये हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी बाउंड्री कहां पर आ रही है, दूसरी बाउंड्री है मेरी ये यहां पर है ना, यहां पर क्या हो गया ये बाउंड्री कहां पर है एट एक्स बराबर ए, बाउंड्री कहां किस किस के बीच में साई सेकंड और साई थर्ड के बीच में कहां पर है एट एक्स बराबर ए। तो Thank you.
सर साउंड नहीं आ रहा।
माइक्रोसॉफ्ट। हेलो। यस सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलते हो तो कुछ सुनाई नहीं देता है, आप तो यहाँ पे लिख दो। तो आवाज आ रही है? साउंड केव, ओके। एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और दिस सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, तो वहां पे ये गड़बड़ हो रही है और किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड इसमें हाँ, अभी जो मेरा ब्लूटूथ है वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कुछ हो रही है, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं मेरे ब्लूटूथ को संडे को, अगर ट्राई संडे को फ्री रहा तो मैं संडे को इसको चेक करवा दूंगा कि इसमें क्या गड़बड़ आ रही है। अदरवाइज ये ऐप मुझे यूं अच्छी लग रही है क्योंकि ये 2G पे वर्क कर जाती है, और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना इस ऐप के साथ में कि इसमें क्या कहते हैं वो लोड बहुत इजीली हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट को लोड करने में इतना मतलब बहुत टाइम लगता था, वो हैंग हो जाती थी, सिस्टम को हैंग कर देती थी, उस समय मेरे को मोबाइल को अलग काम में लेना पड़ता था, लैपटॉप को अलग काम में लेना पड़ता था, उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं थी, इस पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये ऐप मुझे थोड़ी सी अच्छा। उसमें कलर अच्छे आ रहे, उसमें कलर अच्छे नहीं आ रहे थे, आपको कलर दिखाई नहीं देते थे, इसमें कलर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मेरी मुझे थोड़ी सी ऐप ईजी लगी। देन इसके अंदर अटेंडेंस, असाइनमेंट, खूब सारे फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अब मैं बात कर रहा था जब मेरा यहाँ पर इन दोनों में मैंने क्या लिखा है, इन दोनों के अंदर मैंने ये लिखा कि जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को अभी हमने दोनों तरफ के वेव फंक्शन को बराबर किया। क्यों बराबर किया? बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या कहती है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूशन को हमने लिया। अब वेव फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा, तो एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो बाउंड्री पर, एट एक्स बराबर जीरो बाउंड्री पर वेव फंक्शन को मैं कंटिन्यूस, वेव फंक्शन के डेरिवेटिव को भी मैं कंटिन्यूस कर देता हूँ। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन का मैं पहले डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तब क्या होगा, ए का डिफ्रेंशिएशन नहीं, ई टू दी पावर आयटा अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज आयटा अल्फा आगे आ जाएगा। तो मेरे पास में एंड एक्स का मान क्या रखूंगा, फिर मैं एक्स जीरो है तो यहाँ पे मैं जीरो रख दूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा आयटा अल्फा ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ये माइनस आगे आएगा तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर होगा इसके, इसके बीटा आगे आ जाएगा, या बीटा माइनस बीटा आगे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सी माइनस डी इसके बराबर, x का मान जीरो रख दिया। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई वन टू, और ये इक्वेशन हो गई मेरी थ्री। नाउ अगेन एट सेकंड बाउंड्री कहां पर है, एट x बराबर a, यहां पर भी क्या होगा डेरिवेटिव, इसका शाय सेकंड का डेरिवेटिव, शाय सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स डी शाय बाई डी एक्स, कहां पर एट एक्स बराबर ए, किसके बराबर होगा डेरिवेटिव ऑफ थर्ड एट एक्स बराबर ए बराबर होगा। बाउंड्री पर दोनों के डेरिवेटिव बराबर होंगे तो दूसरी बाउंड्री पर भी दोनों के डेरिवेटिव बराबर कर लेते हैं। तब दूसरी बाउंड्री पर इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में x की जगह क्या लिख दूं a, इसको डिफ्रेंशिएट करूं और x की जगह a रख के दोनों को बराबर कर लेते हैं, तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हो जाएगा बीटा c e टू दी पावर बीटा a माइनस d e टू दी पावर माइनस बीटा a इज इक्वल टू किसके बराबर आयोटा अल्फा f e to the power iota alpha a, equation 4, equation 1, 2, 3, 4, चार equations हमारे पास में आ गई। अब इन चारों equations से हम क्या करेंगे, इन चारों equation को थोड़ा सा solve कर लेते हैं। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमारा purpose है t is equal to f by a मॉड स्क्वायर, ये निकालना है, एफ और ए के बीच रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। इक्वेशन सेकंड क्या है, इसमें भी क्या आ रहा है, इक्वेशन सेकंड सी और एफ के बीच में। इक्वेशन थर्ड ए बी सी डी के बीच में। इक्वेशन फोर्थ
सीबी और एफ के बीच में, यानी कि इन चारों इक्वेशंस को मैं मिक्स करता हूं। कैसे? मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थ्री, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए मेरा निकल जाएगा, बी कट जाएगा। इक्वेशन थ्री और फोर को मैं ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास में एक वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं, पहले इसको लिख लीजिए फिर निकालते हैं। लिख लो इसको, बाद में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लिख लिया, ठीक है। देन अब हमारे पास है चारों इक्वेशंस को मैं वापस लिखता हूं, फिर देखो आप। जो अभी हमने चारों इक्वेशंस निकाली है उनको देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो अभी निकाली हमने वो थी a प्लस बी बराबर C प्लस डी। देन इक्वेशन सेकेंड जो निकाली वो आई थी हमारे पास में आयटा B कॉमन आया था, तो आयटा B को मैं नीचे ले लेता हूं, तो आई कैन राइट इट A प्लस बी इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई आयटा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C माइनस डी। ये इक्वेशन सेकेंड जो अभी हमने निकाली, इक्वेशन थर्ड जो अभी हमने निकाली थी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड जो अभी हमने निकाली थी वो थी हमारे पास में, इक्वेशन सेकंड वो थी हमारे पास में सी ई टू द पावर बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस डी ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स बीटा ए इज इक्वल टू एफ ई टू द पावर आयटा अल्फा बीटा आयटा अल्फा ए। ये इक्वेशन थी हमारी सेकंड थी, इसको मैं यहाँ पे थर्ड नाम दे रहा हूँ, या सेकंड लिख लीजिए, उससे कोई नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन फिर हमारी दूसरी जो इक्वेशन निकली थी वो बीटा कॉमन आ गया था, तो आई कैन राइट इट सी ई टू द पावर बीटा ए माइनस डी ई टू द पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल टू आल्टा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ e टू दी पावर आल्टा अल्फा ए। ये इक्वेशन हो गई फोर, जो अभी हमने चारों इक्वेशंस निकाली थी वो ये चारों इक्वेशंस आ गए। नाउ अब इन चारों इक्वेशंस में फर्स्ट टू इक्वेशंस को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो a निकाल लेते हैं, एडिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड किया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, b से b कैंसिल हो जाएगा, a a में हो जाएगा 2a, तो 2 मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख के इस साइड ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन 2 आ गया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तब क्या हुआ, तब ये हुआ 1 प्लस बीटा अपॉन आल्टा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन आल्टा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय d। ये आ जाएगा मेरा इस साइड, ठीक है। क्यों, यहाँ पे 1 c दोनों में कॉमन, तो 1 प्लस बीटा अपॉन आएगा 1 माइनस बीटा अपॉन आएगा। ये हो गया मेरे पास में a इक्वेशन। अब a के अंदर क्या आ गया, सिर्फ c और d, तो मुझे c और d की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ। c और d की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये d वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, C ऐड हो गया, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन C बराबर कितना आएगा, 2C आ रहा है, तो 2 मैं नीचे ले लेता हूँ, 1 बाई 2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों की ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस
आल्टा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर आल्टा अल्फा ए। ठीक है, ये हुआ। देन सी के साथ में क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, ई टू दी पावर बीटा ए, वो कहा गया, उसको मैं इस साइड ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आ गया, ई टू दी पावर माइनस बीटा ए। ये मेरे पास में सी की वैल्यू आ गई, सी निकाल लिया। अब दोनों इक्वेशंस को, अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक कर दीजिए, घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा और डी ऐड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस आल्टा अल्फा अपॉन बीटा एफ ई टू दी पावर आल्टा अल्फा ए ई टू दी पावर माइनस बीटा ए। ये मेरे पास में डी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ, डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ, इन दोनों सी और डी की वैल्यू को मैं अगर यहां रखता हूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए और एफ के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी, तो वो रिलेशनशिप क्या हुई मेरे पास में, ए इज इक्वल टू, देखो सी की जगह मैं लिख रहा हूं ये पूरी टर्म, इसमें क्या आ रहा है 1/2, डी की जगह क्या लिख रहा हूं ये पूरी टर्म, इसमें क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 1/2 दोनों जगह से कॉमन आ गया और 1/2 बाहर है, बाहर कितना हो गया 1/4 ब्रैकेट में सी का मल्टीप्लायर जो है पहले उसको लिख लेते हैं 1+β/α, अब सी की वैल्यू लिख देते हैं कितनी 1+α/β मल्टीप्लाइड बाई ये वेक्टर कितना, अच्छा इसमें एफ ई टू दी पावर ओके यहां पर एक गलत लिख दिया, ये यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस बीटा ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों कट गए यहाँ पे आया ई टू दी पावर माइनस बीटा ए इस साइड है, जब उस साइड जाएगा तो यहाँ उस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे प्लस का है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों इक्वेशन सी और डी में कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको बाद में लिख देता हूँ, पीछे क्या रहा ई टू दी पावर माइनस बीटा ए प्लस डी के अंदर क्या आ रहा है 1 बीटा अपॉन आल्टा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 आल्टा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर बीटा ए होल मल्टीप्लाइड बाई एफ, ये कॉमन जो फैक्टर है उसको मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं। ये अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ए और एफ के बीच में रिलेशनशिप आ गई, इसको थोड़ा सा अभी हम खोल के और इम्प्रूव कर लेते हैं, तो ये हमारा, अब हम इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, चलो मैं कर लेता हूँ, बोर्ड पे अभी जगह है, इनको पहले इन दोनों के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब क्या आया ये 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन सॉरी पहले 1 को इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे, इसको इससे, तो मेरे पास में यहाँ पर क्या वैल्यू आई 1 एक ही आया, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तब भी 1 आया, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस क्या आया बीटा अपॉन आयटा अल्फा प्लस आयटा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस बीटा ए प्लस, यहां पर भी सेम इसी तरह से, जब इसको 1 इसको इससे किया तब भी 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हुआ 2 और माइनस बीटा अपॉन आयटा अल्फा माइनस आयटा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर बीटा ए होल मल्टीप्लाइड बाय एफ ई टू दी पावर आयटा अल्फा ए। ये मेरे पास में वैल्यू आई, लिख लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं।
लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। अच्छा ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब जो हमारी लास्ट इक्वेशन जो आ रही है, इसमें भी देखो टू यहाँ टू कॉमन ले लेता हूं, और ये जो दूसरा फैक्टर है, एक तो ये टू कॉमन आ गया दोनों जगह से, दूसरा ये फैक्टर और ये फैक्टर भी कॉमन है, बस इसमें माइनस साइन का फर्क पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस ढंग से लिख सकता हूं ना, ये है ए, तो इस ए को मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया यहां से और यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहा, e टू द पावर बीटा ए प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ए, e टू द पावर बीटा ए प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ए, ठीक है। देन दूसरा मैं माइनस साइन के साथ में इसको कॉमन ले लेता हूं, माइनस मैंने कॉमन लिया बीटा अपॉन आयटा अल्फा, माइनस साइन के साथ माइनस बाहर आ गया, प्लस आयटा अल्फा अपॉन बीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या रहा, e टू द पावर बीटा ए, e टू द पावर बीटा ए माइनस e टू द पावर माइनस बीटा ए, कहां से, यहां से ये फैक्टर तो कॉमन आ गया, हमने माइनस कॉमन भी साथ लिया है, तो e टू द पावर माइनस बीटा ए, होल मल्टीप्लाइड किसके हो रहा है, f e टू द पावर आल्फा अल्फा ए के मल्टीप्लाई। देन अब ये वैल्यू क्या होती है, याद करो ये वैल्यू क्या है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आपको करेक्ट करना है, मुझे मालूम नहीं है, मैं भूल चुका हूं। साइन थीटा जो है, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं e टू द पावर आयटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा बाय 2 आयटा होता है, और कॉस थीटा जो है, मुझे नहीं मालूम है ये सही है गलत है, आप मुझे बताएंगे, मैं भूल चुका हूं, कॉस थीटा जो है वो होता है e टू द पावर आयटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2, एंड साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक थीटा जो है वो होता है e टू द पावर आयटा थीटा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो है वो होता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, जहां तक मुझे याद है ये होता है। अब हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो आप मुझे करेक्ट कर दो कि क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा है। अगर ये है तो शायद मैंने गलत किया है, यहां पे प्लस, यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है, याद नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ। नित्यानंद आप मुझे बताओ क्या सही है, मैं एक्चुअली भूल चुका हूं। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, क्या ये मैंने सही लिखा है, मेरे भी याद नहीं आ रहा है। चलो आई थिंक ये सही होगा, मैं तो सही मांगे करता हूं, हो सकता है गलत है, तो हमको ये स्टेप यहां से रिपीट करना पड़ेगा। तो यहां पर अब मैंने नीचे वाले इक्वेशन को साफ इसलिए कर दिया क्योंकि अब हमने नई इक्वेशन ये लिख दी है, तो
यहाँ पर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक कॉस, ये क्या है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 2, ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू दैट इज ये हो जाएगी 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जगह क्या, बीटा a, ठीक है, ये आ गया इस वेक्टर की जगह प्लस सॉरी माइनस ये वाली वैल्यू बीटा अपॉन आयता अल्फा प्लस आयता अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय किसके, ये वैल्यू ये रही, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो आप आई कैन राइट 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह क्या बीटा है मल्टीप्लाइड बाय एफ ई टू द पावर आयता अल्फा ए. Now, अब इसके अंदर 2 यहाँ पे 2 दोनों जगह से कॉमन आके 2 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह गया 1/2 ब्रैकेट में 2 cos hyperbolic beta a माइनस बीटा अपॉन आयता अल्फा प्लस आयता अल्फा अपॉन बीटा, ये 2 तो बाहर आ गया था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक बीटा ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ई टू दी पावर आयता अल्फा ए, ये हमारे पास में वैल्यू आई किसकी, ए की. अब जब ए की वैल्यू ये है तो थक गया मैं, जब ए की वैल्यू ये है तो अब मुझे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालना है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या था, टी इज इक्वल टू F by A, mod F by A square, ये था, यानी कि F F star divided by A A star, आ गया ना यहाँ से, क्या निकालना है अब, A by F निकल सकता है, A divided by F कर दो, इस F को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो F कहाँ आ गया, इसके नीचे आ गया, यानी कि मेरा 1/c मेरा निकल गया, ये रहा 1/t, इसका इसके complex conjugate से multiply कर दो, आपका 1/t आ गया, कैसे, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ रूम के अंदर खड़े रहने की आदत नहीं है, तो 1/t इज इक्वल टू ए ए स्टार डिवाइड बाय एफ एफ स्टार विच इज इक्वल टू किसके बराबर, इसको दो बार मैं लिख देता हूँ, और इस दो बार लिखने का मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब इसको मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, e की भी पावर, e की पावर यहाँ पे एक बार तो आएगा प्लस में और दूसरी बार आएगा किसमें आएगा माइनस में, तो e टू दी पावर प्लस आएगा और e टू दी पावर माइनस आएगा, तो ये टर्म तो हो जाएगी कैंसल, यहाँ जो प्लस आएगा और माइनस आएगा हो जाएगा, दैट मींस 1/2, अच्छा 1/2 का वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस क्या करेंगे हम, a बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एफ स्टार, कितना हो जाएगा 1/4, कहां से 1/2 पहली टर्म में 1/2 सेकंड टर्म में, तो ये ब्रैकेट में क्या 2 cos hyperbolic बीटा a माइनस बीटा अपॉन आयता अल्फा प्लस आयता अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय sin hyperbolic बीटा a होल मल्टीप्लाइड बाय किससे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है 2 cos hyperbolic बीटा a माइनस, अब आयता को किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस आयता से, तो माइनस आयता से रिप्लेस होते ही बाहर मेरा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बीटा अपॉन आयता अल्फा प्लस आयता अल्फा अपॉन बीटा साइन बीटा a हाइपरबोलिक बीटा a, ये हुआ, अब देखो ये क्या हुआ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, दैट मीन्स क्या हुआ ये 4 cos hyperbolic square beta a
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया हमारे पास में बीटा अपॉन आयटा अल्फा प्लस आयटा अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए, ये मेरे पास में वैल्यू आई। क्लियर, लिख लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरी पेन की इंक भी खत्म हो गई है, पेन में इंक भी भर देता हूँ। थोड़ी देर आप थोड़ा हौसला रखो, ये मैं भी थक गया हूँ बहुत ज्यादा, इसको कंप्लीट तो कर ले, अब होने वाला ही है कंप्लीट। किया हो गया, हो गया। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल हो गया ये हमारा। क्या करना है अब, आप सिर्फ इस ब्रैकेट को खोल लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, अब आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा निकल गया, लास्ट इक्वेशन को मैं साफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है अभी, एक बार मैं लिख लेता हूं इसको, बाद में मैं इसको साफ कर दूंगा। ये क्या है, 1/t है, ध्यान रखना, इट इज नॉट टी, इट इज 1/t, है ना। तो अब मैं क्या कहता हूं, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, स्क्वायर है ना, इसको खोल लेते हैं, दैट इज 1/t, ऊपर शायद इतना दिख नहीं रहा आपको, है ना, 1/t इज 1/4 ब्रैकेट में 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस, इस ब्रैकेट को खोल लो, तब क्या आएगा मेरे पास में, तब आएगा बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय आयटा अल्फा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर मींस माइनस,
मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, आल्टा स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये आ जाएगी क्वांटिटी माइनस में, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, ये क्वांटिटी है, ठीक है। और यू करूं ना, चलो एक बार इसको खोल लेते हैं, क्योंकि क्या है, इसको मैं कॉस हाइपरबोलिक को मैं साइन के टर्म में लिख देता हूं, और साइन के टर्म में चलो पहले इसको खोल लेते हैं फिर लिख देते हैं। तो ये हुआ, और या पहले लिख लूं मैं इसको, पहले चलो खोलते हैं देखता हूं। देन दूसरी टर्म टू मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस, है ना, यही होता है। तो प्लस टू प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन ये क्वांटिटी आ जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, स्मॉल ब्रैकेट बनाता हूं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए। ये हुआ हमारा फंक्शन। अब इसके अंदर से भी क्या कर सकता हूं मैं ये लिख सकता हूं, अब मैं इसको करता हूं, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, और दूसरा होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज वन होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या हुआ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, क्या ये तो सही लिखा है कि मुझे याद नहीं है, साइन और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर में रिलेशन, हाँ ये सही है या गलत है, नित्यानंद मे बी राइट, ठीक है देखते हैं, मुझे याद नहीं रहता भाई। देन इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, तो जब मैं इस वैल्यू को यहां रखता हूं तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 बाय 4 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी, इसको चलो मैं फिलहाल इसी फॉर्मेट पर रख देता हूं, माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए। तो अब क्या हुआ, यहां पर आया मेरे पास में 4 साइन, और 4 साइन आ रहा है यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और यहां पर कितना आ रहा है माइनस 2 साइन, तो पीछे क्या रह गया, प्लस 2 4 साइन में से माइनस 2 साइन गया, तो पीछे रह गया प्लस 2 साइन का मेरे पास पीछे रह गया। तो आई कैन राइट इट 1 बाय टी 1 अपॉन 4 क्या रहा, यहां पर पीछे रहा माइनस 4, मुझे लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है ये चीज मैंने गलत लिख दी है शायद, चलो क्योंकि मेरे यहाँ पे एक माइनस साइन का इश्यू आ रहा है, हो सकता है सही हो, सही होगा उम्मीद करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या हुई, अच्छा यहां से मैं पहले माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूं, देन आई कैन राइट 8 ये माइनस, यहां से कॉमन लिया तो माइनस आया यहां पर, यहां से माइनस कॉमन लिया प्लस, तो यहां बीच बाहर आ गया प्लस, तो यहां पर है माइनस 2 और यहां बाहर है प्लस 4, तो दैट मींस पीछे क्या रह जाएगा प्लस 2, देन आई कैन राइट इट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस 4, बाकी सारा हट गया। और अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन इसको मैं वापस बंद कर देता हूं, तो मैं इस चीज को जो अभी हमने पहले लिखा, और ये 4 जो है
इस फोर को अंदर ले लूं, देखते हैं इस फोर का भी कुछ करेंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मुझे इसको अभी लिखना पड़ेगा, और छोड़ो करते हैं अभी आगे, और अभी ऐसा काम नहीं चलेगा। बीटा पर अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड अल्फा? सिंस अल्फा क्या है, रूट टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एंड बीटा क्या है, रूट टू एम वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो बीटा अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं, देन आई कैन राइट इट 1/4 ब्रैकेट में, क्या ब्रैकेट वापस बनाओ अंदर वाला, बीटा अपॉन अल्फा, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वैसे कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, v नॉट माइनस e डिवाइड बाय e, तो इस वैल्यू की जगह आ गया v नॉट माइनस e अपॉन e प्लस 2 प्लस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, दैट इज e डिवाइड बाय v नॉट माइनस e, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस 4, ये मेरे पास में वैल्यू आई। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हुआ, 1/4 एलसीएम आ गया ई वी नॉट माइनस ई, तो वी नॉट माइनस ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज वी नॉट माइनस ई होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, ई वी नॉट माइनस ई और प्लस ई स्क्वायर, ये मेरे पास में इस पूरी की जगह वैल्यू आई। इस होल को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए से माइनस 4, ये मेरे पास में वैल्यू आई। और अब इसको खोल लीजिए, खोलोगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर खोल लेता हूं मैं, लिख लेता हूं, दो मिनट का काम, 1/4, तो वैल्यू आ गई मेरे पास में वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट ई प्लस 2 वी नॉट ई माइनस 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड होल डिवाइड बाय ई वी नॉट माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस 4। अब देखो ये मैंने पूरा उस ब्रैकेट को खोल लिया तो ये इस तरह से आया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 2 ई और प्लस ई कैंसल, माइनस 2 वी नॉट ई और प्लस 2 वी नॉट ई कैंसल, पीछे क्या रहा, सिर्फ वी नॉट पीछे रहा, तो वी नॉट डिवाइड बाय ई ब्रैकेट में ई माइनस वी नॉट माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबोलिक बीटा ए माइनस 4, ये मेरे पास में वैल्यू आएगी। लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे कर लेते हैं, अब तो बस दो ही लाइन बाकी है, थक गया बहुत आज सुबह से। लिख लो इसको फटाफट, चलो अब मेरे पास में वैल्यू क्या आई, अब हो गया हमारा, अब आज वाली क्लास में तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा, ये क्या इक्वेशन क्या कह रही है, और सिर्फ हमको इक्वेशन निकालने से मतलब नहीं होता है, उस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या कह रही है इक्वेशन, वो बहुत जरूरी है समझना, तो उसको फिलहाल अभी
आज तो थक गया भाई, कल करेंगे, बट इसको तो पूरा करो। 1/3 क्या रहा पीछे अब मेरे पास में, 1/4 ब्रैकेट में रहा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ई। अच्छा इस 4 को भी मैं अंदर ले लेता हूँ, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, वी नॉट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस 4 को भी मैं अंदर ले लेता हूँ, तो मैं 4 को यहाँ से हटा के अंदर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ से 4 हट जाएगा, है ना, वहां पे रह जाएगा 1। ये 1/3 है तो इसका उल्टा कर लेते हैं, 1/3 है तो इसका उल्टा कर लेते हैं, तो आई कैन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू ये होल क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी डिनोमीटर में, क्या हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ई वी नॉट माइनस ई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए माइनस 1। ये मेरे पास में रिजल्ट आया बीटा टी का मान, ये टी की वैल्यू आ गई। और इसको चलो यहीं तक ही काफी है, फिलहाल यहां तक काफी है, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे और करेंगे। एंड दिस वैल्यू, अब इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, दिस वैल्यू क्या ये वैल्यू जीरो है, ये जीरो नहीं है, क्यों नहीं जीरो है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। वी नॉट क्या है, हमारे बैरियर की हाइट, फिर से हमको मालूम है बैरियर है वहां पर, वी नॉट जीरो नहीं है। ई पार्टिकल की एनर्जी, वो भी हमको मालूम है, ई जीरो नहीं है, ई जीरो हो जाता तब पूरा जीरो होता, सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, देयर इज certain probability of transmission, transmission की एक certain probability है, this is not equal to zero, also क्या ये value 1 के बराबर है, it is not equal to 1, that means again ये दोनों में there is a certain probability but not equal to 1 but not 100% probable, 100% नहीं है, 1 के बराबर नहीं कि हर बार इसमें से ट्रांसमिट कर जाएगा, देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, कितनी है इसके बराबर, किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट पर और पार्टिकल की एनर्जी पर एंड ऑफ कोर्स ए पर, जो पोटेंशियल ए क्या है, बैरियर कितना है उस बैरियर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम इसका मतलब और हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब हम अभी हमने बात की, ये हमने किसके लिए निकाला, जब हमारे पास में ई, दिस इज फॉर व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट, तब का केस है ये, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे ई ग्रेटर देन वी नॉट और कब वन होगी उसको चेक करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन भी हम उसी के साथ में करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे वाला करेंगे। ये यहां तक केस 1 हुआ है, अब कल की क्लास, कल सुबह अगर आप कहते हो तो मैं मैथमेटिकल फिजिक्स जो हमारा था चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा मैट्रिक्स के अंदर जो भी टॉपिक चल रहा है, मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला हो गया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इन्वर्जन वाला कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप कहोगे तो मैं कल ले लूंगा सुबह 9:30 बजे, यहाँ वाला लिख लीजिए, ये कंप्लीट है, लिख लिया, ठीक है, कल लेनी है या नहीं लेनी है क्लास मुझे बता दो, लेनी है तो मैं सुबह 9:30 बजे ले लूंगा, तो आज का तो काम हो गया, कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फिर कल सुबह 9:30 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा, उसको कुंदन को भी कह देना, थैंक यू।